हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर मैथ्स एंड साइंस। हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम लोग ने देख लिया था। हेपेटाइटिस तक हमारा हो गया था, राइट? ठीक है, और हम लोग आगे चलने वाले हैं। कुछ डिजीजेस आज के टॉपिक में कवर करेंगे एंड फिर कुछ डिजीजेस जो होंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर होंगे, ओके? और होमवर्क के तौर पर आपको मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में आप बताना है मुझे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, राइट? ठीक है, सो वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ओके? हम लोग दिल से आपको सिखाते हैं, आप दिल से शेयर कीजिए, सीखिए, फॉरवर्ड कीजिए, राइट? तो चलो आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले डिसेंट्री से। ओ, कितना गंदा लग रहा है बोलने के लिए, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन। चलो आज स्टार्ट करते हैं लूज मोशन से। छी, ओके, सो कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज डैश पैथोजेंस, है ना? कौन से पैथोजेन ऐसे हैं जो डिसेंट्री कॉज करते हैं? तो यहाँ पे लिया है, देखो, बैक्टीरिया, कुछ वायरस भी है, ओके, कुछ बैक्टीरिया वायरस। अच्छा, आप देखो बैक्टीरिया के नाम दिए, देखो शिगेला, ये तो ईजी है याद रखने के लिए, डिसेंट्री लूज मोशन, कुटेगेला शीला गेला, देखो शिगेला है ना, अच्छा है ना आइडिया। फिर बैसिलाई एक टाइप का बैक्टीरिया है ना, ओके, सो बैक्टीरिया का टाइप्स है बैसिलाई शिगेला, ये बैक्टीरिया का टाइप है, ठीक है। और एक है, देखो ये फेवरेट है भाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये एक ही नाम है, सेपरेट लिखते हैं ना, नेम सरनेम, जीनस स्पीशीज, एंटामीबा जीनस का नाम है और स्पीशीज का नाम है हिस्टोलिटिका। ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं डिसेंट्री कॉजिंग फैक्टर है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। कैसे होता है, कौन से रूट से ये चीजें जाती हैं? देखो कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर, खाने या पानी में गड़बड़ी होने की वजह से इनमें से कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, ग्रो करेगा, डिसेंट्री कॉज करेगा। सिम्टम्स क्या क्या है, वाटरी स्टूल, याद है मैंने पिछले बार आपको बताया था, स्टूल मतलब वो नहीं जिसके ऊपर चढ़ के हम लोग सब कुछ ठीक करते, स्टूल मतलब क्या, लैटरिन, है ना, ओके, सो पतला सा पानी आएगा, है ना, तुमको मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, मजा आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, है ना, बाहर जाते वापस से अंदर जाते, बाहर जाते, वाटरी स्टूल। और ये होने की वजह से देखो हम लोग के एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होगा, पेन इन द एब्डोमेन, राइट, ठीक है। इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक तो छोड़ दो, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम लोग, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ओके, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है, देखो ओआरएस कंजम्पशन, अगर वाटर स्टूल स्टार्ट हो भी गया तो हम लोग क्या लेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओआरएस, बराबर ना, मिलता है छोटा सा 15 रुपए का, इलेक्ट्रॉल वगैरह सब, ORS पीना है तो थोड़ा सा राहत मिलेगा, डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज एकदम छोटे बच्चे रहेंगे और उनको अगर डिसेंट्री हो गया तो दे कैन इवन डाई। देन नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कॉलेरा कौन कॉज करता है, देखो जीनस स्पीशीज, ओके, जीनस का स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल, स्पीशीज का स्टार्टिंग का लेटर स्मॉल, देखो वी कैपिटल सी स्मॉल अंडरलाइन सेपरेटली, विब्रियो कॉलेरे, और याद है हमको कि विब्रियो मतलब कैसा वाला बैक्टीरिया था, कॉमा शेप्ड, है ना, विब्रियो मतलब कैसा बैक्टीरिया था, कॉमा शेप्ड, सो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरे। कैसे जाता है, फिर से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या क्या चीजें होती है, उल्टी आएगी, वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, ओके, अगेन लूज मोशन, वाटर स्टूल, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स इन द लेग्स, ठीक है, पैर पे बहुत सारा क्रैम्प्स आएगा तो समझ जाओ कॉलेरा होने वाला है ना, या हो गया है, ओके, सो वॉमिटिंग डायरिया क्रैम्प्स इन लेग्स आया, मतलब पहले डॉक्टर को क्या डाउट आएगा, विब्रियो कॉलेरे ने इसके ऊपर अटैक कर दिया है ना। क्या करेंगे, फिर से वही लिखा है, देखो अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, वैक्सीनेशन। ये हम लोग जब छोटे थे तो हमको कॉलेरा का भी वैक्सीनेशन लग गया था, राइट, एक BCG का लगा था, ट्यूबरक्लोसिस, MMR लगा था, MMR मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, बहुत सारे बीमारियों के हमको पहले इंजेक्शन लग जाते ताकि ये बीमारियां फ्यूचर में हमको ना हो, थैंक गॉड। अच्छा, सबसे पहले किसने वैक्सीनेशन इन्वेंट किया है ये कमेंट सेक्शन में बताना है तुमको, राइट, क्योंकि थैंक गॉड के बाद उस आदमी को भी थैंक्स बोलना चाहिए ना जिनके वजह से वैक्सीनेशन अवेलेबल है, राइट,
ठीक है। सो अभी कोरोना काल में कोरोना का वैक्सीन ढूंढ रहे, तो जिस आदमी ने ये टेक्नोलॉजी निकाला सबसे पहले वैक्सीनेशन वाला चीज है ना, उस आदमी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ई से चालू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइफाइड। अब देखो इसके नाम में ही टाइफाइड, देखो सैल्मोनेला टाइफी एस कैपिटल टी स्मॉल जीनस स्पीशीज सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। क्या कॉज करता है टाइफाइड, क्या है बैक्टीरिया, फिर से वही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो आप देखो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कितने टाइप की बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस डिसेंट्री कॉलेरा टाइफाइड ये आपको हो सकता है, ठीक है। साफ रहना है, साफ जगह से खाना खाना है, साफ जगह से पानी पीना है, ओके। देने से वो क्या लिखा हुआ है, अगर टाइफाइड हो गया तो क्या हो गया एनोरेक्सिया। किसको किसको याद है, मैंने हेपेटाइटिस के टाइम पे आपको सिखाया था एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है, बॉडी वेस्टिंग है ना, राइट। हमको ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा खाना खा लिया, खाने की इच्छा मर जाती है और उसके वजह से क्या हो जाता है मैल नरिशमेंट, ओके। सो ओबेसिटी के डर से आप मैल नरिश हो जाते हो, लुकड़े सुकड़े हो जाते हो, वजन एकदम कम हो जाता है, टाइफाइड। हेडेक होगा, पेट में रैशेज आएंगे, रैश है वो, रैश ही नहीं है, ठीक है, ओके। इसने कुकर से चने निकाल लिए और खा ली कुकर, गैस पे चढ़ा दिया रैश ऑन एब्डोमेन। देन डिसेंट्री, फिर से डिसेंट्री लूज मोशन हो सकता है टाइफाइड रहा तो भी, और 104 डिग्री फारेनहाइट, ओके फरहान अख्तर वाला फारेनहाइट, ओके फारेनहाइट, सो 104 डिग्री फारेनहाइट का बुखार आपको रहेगा। 98-99 ऐसा रहेगा तो ये नॉर्मल है, ओके 104 डिग्री फारेनहाइट तो मतलब बहुत ज्यादा है ना। देन अगेन देखो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ओके। तो सीवेज का जो पानी है उसको प्रॉपरली डिस्पोजल करना है, बिकॉज ये अगर गंदे जगह से जा रहा है और पाइप फूट जाता है, तुम्हारा पीने का पानी अगर कहीं पे टूटा फूटा रहेगा वो नल है ना, और ये गंदा चीज उसमें मिक्स हो गया, राइट, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया उसमें घुस जाएगा एंड गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हैं, गैस्ट्रो एंटराइटिस, देखो मैंने तुमको बताया था आइटिस मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन, रेडनिंग एंड स्वेलिंग, और एंटरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में सूजन आया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटराइटिस है ना, इजी, राइट। तो ऐसे प्लेग, मलेरिया, एड्स के लिए सेम इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो ऐसा वो बता रहा है। देन कभी कभी तुमको है ना ये ऐसे फोटो दे देता है और फिर उसके ऊपर कुछ राइटअप दो मार्क का लिखने के लिए बोलता है, क्या है। तो यहाँ पे ये तुम लोग ने देखा है ये मच्छर, मालूम है ना, मच्छर हूँ मैं, लुई मेरा नाम, सुना है ना, मैं हूँ लुई, मॉस्किटो रेपेलेंट का एडवर्टाइज होता है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, ठीक से देखो, ये देखो लिखा है, ठीक है, ओके। सो कैसे कैसे जगहों से ये मच्छर मिल सकता है, एक हम लोग मस्त फ्लावर वास रखते हैं उसमें पानी डालते हैं, जमे हुए पानी में मच्छर हो सकता है ना, राइट। यहाँ पे देखो बॉटल बिटल में पानी जमा है उसमें हो सकता है, राइट, किसी बकेट में पानी जमा है, पुराने टायर में पानी जमा है ना। सो पानी जमा रहने से ये मच्छर उस जमे हुए पानी में ग्रो कर सकते हैं, राइट, और हमको क्या फैलाएंगे लोग, मलेरिया। याद रखो कि डेंगू या डेंगी का मच्छर जो होता है वो साफ पानी का मच्छर होता है, ठीक है, वो ऐसे स्टोर्ड वाटर में नहीं रहता। सिर्फ ये जो हमारा मलेरिया वाला मच्छर है, ठीक है, वो ऐसे पानी में रहता है, ठीक है, तो एकदम क्लियर दिमाग में रखना है। इम्पॉर्टेंट डिजीजेस, ठीक है चलो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीजेस पढ़ने वाले हैं। पहला क्या लिखा है देखो, कैन यू टेल हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, ठीक है, नाखून काटो, साफ रहो, नहाओ, है ना, राइट, इधर उधर सब हाथ मत रखो, आजकल तो बोलते भी है कि हाथ बार बार सैनिटाइज करने चाहिए। व्हाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में एक परफेक्ट टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन बन जाता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, प्लस पानी जमा रहेगा इधर उधर तो कंटामिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट, ठीक है, ओके। फिर रेनी सीजन में और क्या आते हैं, मक्खियां, तुम्हारी फेवरेट है ना, ओके, तो एक जगह गंदे पे बैठेंगे, फिर तुम्हारे खाने पे बैठ गई अगर, राइट, तो खाने का उतना पीस निकाल के चुपचाप से फेंक देने का, समझ में है, ओके, कि मक्खी बैठी तो क्या हुआ, ऐसा नहीं करने का, वो कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारा बैक्टीरिया तुम्हारे खाने के ऊपर वो लेके आ जा सकती है, राइट, तो ये प्रॉब्लम है, तो खाना ढक के रखो, है ना, ये भी पर्सनल हाइजीन है। देन व्हाई द क्लीन हैंड्स ड्राइव इज रन इन स्कूल, वही डेटॉल और क्या बोलते
कौन सा और चीज मिलता है, लाइफ बॉय है ना, ये सब खाने से पहले जरा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो, ठीक है। तो सारा का सारा चीज क्लीन हैंड्स ड्राइव क्यों है, और बहुत सारा कुछ आता है ना, ऐसे तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, लाइफ बॉय का एडवर्टाइज। ओके, क्यों वो लोग सिखाते बार बार हाथ धो, क्योंकि उससे बहुत सीरियसली बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, डेंगी 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 मॉस्किटोज ले द एग्स इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस। देखो क्या लिखा है, वाटर लॉक्ड प्लेसेस, जहां पे पानी जमा होता है वहां पे साफ पानी होना चाहिए, याद रखो, ठीक है। ओके, एकदम गंदा पानी रहेगा तो उसमें सिर्फ मलेरिया वाला मच्छर होता है, इसमें नहीं होता। देन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीज, ऑफकोर्स डेंगी स्प्रेड बाय एडीज इजिप्टी। देखो कैपिटल ए, कैपिटल कैपिटल ए जीनस वाला कैपिटल ए और स्पीशीज वाला स्मॉल ए, एडीज इजिप्टी। ओके, और वो जो वायरस है उसका नाम क्या, देखो डेन वन टू डेन फोर, डेन वन टू थ्री फोर, ऐसे चार टाइप रहेंगे ना, डेन वन टू फोर। ओके, ये वायरस है। वायरस का टाइप कौन सा है, फ्लैवी वायरस, अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, तो उसमें फ्लैवी वायरस हमको इतना याद नहीं रखना है, हमको क्या दिमाग में रखना है, एडीज इजिप्टी से होता है क्या यह बीमारी, नहीं, एडीज इजिप्टी क्या है, सिर्फ स्प्रेड करने वाला है। देखो ध्यान से देखो, स्प्रेड बाय एंड कॉज्ड बाय, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, डेंगी इज कॉज्ड बाय, तो अब किसी ने अगर एडीज इजिप्टी लिखा रॉन्ग, कट, कॉज्ड बाय डेन वन टू फोर लिखना है, और डेंगी स्प्रेड बाय, फैला था कौन है, तब लिखना है वहां पे एडीज इजिप्टी, ठीक है। तो टीचर तुम्हारा मार्क्स काटने का कोशिश करेगा, बट अपन को फंसने का नहीं है, क्योंकि अपन है स्टूडेंट हमारे, है ना। सिम्टम्स, उल्टी आता है, सर दर्द होता है, एक्यूट फीवर, एक्यूट फीवर मतलब मालूम है ना, आते जाते रहता है फीवर, एक्यूट और क्रॉनिक, पता है ना, क्रॉनिक मतलब जो ज्यादा टाइम तक रहता है, एक्यूट मतलब कम टाइम के लिए। आई सॉकेट्स, अपने आंख के आजू बाजू वो जो गोला रहता है जिसके अंदर अपना आंख फिट है ना, वहां पे दुखना चालू होगा। सो आई के आसपास दुखना चालू होगा, समझ जाओ डेंगू है, डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड चेकअप करा लो। प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंटरनल हेमरेज, देख रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज हेमरेज, हेमरेज का मतलब क्या होता है, हेमरेज मतलब अगर ब्लीडिंग हुआ बॉडी के अंदर, कहीं पे रप्चर हो गया, कहीं पे मैं गिर गया इधर उधर, ठीक है, कुछ मेरे को लग गया, तो अंदर ही अंदर खून है ना एकदम ज्यादा बहेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं है ना उसको प्लग करने के लिए, राइट। ओके, सो इससे जान भी जा सकती है, दैट्स व्हाई डेंगू इज प्रॉब्लमैटिक है ना, डेंजरस है। देखो क्या लिखा है, एडीज इजिप्टी किधर किधर मिल सकता है, कैसे कैसे भाग सकता है, कहाँ पे रह सकता है ना, ठीक है। तो ये देखो, भगाने के लिए मेरे पास है ये आदमी, देखो फ्यूमिगेशन कर रहा है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स है ये, राइट। ये देखो गंबूजिया मछली का नाम है, ठीक है, गंबूजिया फिश जो है वो इन मच्छरों के जो लार्वा होता है ना, एग्स होता है, ओके, लार्वा और एग्स उसको खा लेती है, ठीक है, तो ये मच्छर खत्म हो जाते हैं, तो गंबूजिया फिश, ठीक है, नेट पे सर्च मारो। ओके, कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो ये पानी इधर जमा है नीचे, वहाँ पे हो सकता है, वाटर कूलर में जमा हो सकता है ना। ओके, सो बच्चे इधर उधर पानी गिरा देंगे, ठीक है, वो सब हो सकता है, तो बहुत सारे जगह पे हो सकता है। मलेरिया स्प्रेड बाय, देखो क्या लिखा है, एनोफिलस, ओके, एनोफिलस मॉस्किटो। एलिफेंटियासिस कौन से वाले मॉस्किटो फैलाती है, देखो क्यूलिक्स, क्यूलिक्स भी एक मॉस्किटो का टाइप है, और बाप रे इतने सारे मॉस्किटो होते हैं, हमको पता ही नहीं था, बहुत सारे टाइप के मॉस्किटो होते हैं, एनोफिलस मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ये वाला एडीज, ठीक है, क्यूलिक्स, राइट, ठीक है। सो अब देखो आगे क्या लिखा है, एनोफिलस एंड एडीज ग्रो इन क्लीन वाटर और क्यूलिक्स डर्टी सूवेज वाटर, जो गंदा गटर जैसा पानी रहेगा उसमें क्यूलिक्स होता है। क्यूलिक्स ऐसा मच्छर है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एग होता है, ठीक है, और वो एग को है ना वो हमारे बॉडी में जहां पे काटेगा ना वहां पे वो छोड़ देता है, ठीक है। और ये उड़ता कहां तक है, अपने घुटनों तक ये उड़ता है, राइट, अपने घुटने के हाइट के ऊपर ही मच्छर जा नहीं सकता, क्यूलिक्स, ठीक है। सो आप सोचो कि तुम ऐसे तंगड़ी लटकाए हुए बेड पे बैठे हो और तुमको ये क्यूलिक्स ने काट लिया, अब ये क्यूलिक्स ने है ना वो एग को, ठीक है, वो जो ऑर्गेनिज्म का एग है वो एस्कैरिस का एग है, एक्चुअली मैं बताऊं, बट टेक्निकल चीजें ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, कंफ्यूज हो जाएगा। एस्कैरिस नाम का एक स्पीशीज है, ठीक है, अपने पास, मतलब एक टाइप का एक
कीड़ा है, ठीक है, एस्कैरिस। तो एस्कैरिस का अंडा ये क्यूलिक्स के अंदर होता है और वो तुमको काट लेगा, वो अंडा तुम्हारे पैर पे चला गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा मालूम है, तुम्हारा पैर सूजने लगेगा, फूगेगा, हाथी जैसा हो जाएगा। ओके, सर्च मारो इसके ऊपर, एलिफेंटियासिस का फोटो देखो, ठीक है, हाथी पांव पैर जो है हाथी जैसे हो जाते बड़े बड़े एलिफेंटियासिस में, ठीक है। सो सर्च मारो इसके ऊपर, गूगल करो। सो बट क्यूलिक्स की वजह से ये होता है। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं स्वाइन फ्लू। ओके, कौन सी चीजों से होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। सो इट अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस, ह्यूमंस को होता है और पिग्स को होता है। देखो पिग्स को होता है तभी तो उसका नाम स्वाइन फ्लू है ना, फैलते फैलते पिग्स को होता है, हम तक फैल जाता है। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू कैसे होता है, नोज से, गले से, सलाइवा से स्प्रेड होता है। मतलब छींकोगे, खांसोगे, बात करोगे, ठीक है, सलाइवा उड़ाओगे, तो ये सबसे स्वाइन फ्लू फैलता है। सेम कोरोना जैसे ही है, ओके, कोरोना जैसे ही है। देखो सोर थ्रोट होता है, कोरोना में भी होता है, बॉडी पेन होता है, कोरोना में भी होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दिखा, स्वाइन फ्लू, राइट, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे तो दवा भी स्वाइन फ्लू का दवा देख के ही ये ठीक किया था इन्होंने, कोरोना का जो इफेक्ट होता है ना। डायग्नोसिस देखो, डायग्नोसिस कैसे पता चलता है स्वाइन फ्लू हुआ है हमको, कैसे पता चलता है, लिक्विड फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द पेशेंट इज सेंट टू लैब। देखो सेम है ना, लिक्विड फ्रॉम द थ्रोट, थ्रोट से स्वाब निकालते हैं, नेजल स्वाब निकालते हैं ना, और लैब में भेजते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज कहाँ पे, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, सेम अपने जैसे ही है ना, कोरोना जैसे ही है। एंड NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, याद रखना है तुमको, NIV या NICD में भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि इसको स्वाइन फ्लू है या नहीं है। ओके, मेक्सिको में पहली बार स्वाइन फ्लू मिला था 2009 में हमने क्लास खोला था और स्वाइन फ्लू भी मिला था, वाओ, ठीक है। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा H1N1, देखो तुमने सुना होगा ना, H1N1 वायरस, ठीक है, ओके, तो स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ना। पर्सन हु कम इन कॉन्टेक्ट विद पिग्स, ओके, जो पशुपालन करते हैं, सुअर पालते हैं, ठीक है, पशुपालन में बहुत सारी चीजें पाल सकते हो, उसमें जो सुअर पालते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है। नेक्स्ट आ गया, क्या दिख रहा है तुमको, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सिंबल को याद रखो, ये सिंबल है ना, नेशनल एड्स डे के टाइम पे है ना, बहुत सारे लोग ऐसे पहनते हैं, है ना, रेड रिबन ऐसे क्रॉस। Acquired का मतलब है कहीं दूसरे से आया है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंट का मतलब, एफिशिएंट का मतलब बहुत अच्छा है, डेफिशिएंट का मतलब उल्टा, ठीक है। सो इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, अपने इम्यून सिस्टम को खराब करने वाला। सिंड्रोम, ओके, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स टूगेदर, सिम्टम्स मतलब लक्षण, हर बीमारी का एक लक्षण होता है, एड्स का एक लक्षण नहीं होता, वो सिंड्रोम है। सिंड्रोम है मतलब क्या है, वो बहुत सारे लक्षण दिखाता है तुमको, अभी पढ़ेंगे देखो पता चलेगा। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एड्स किसके वजह से होता है, तो हम क्या बोलेंगे, HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब देखो मैंने तुमको सिम्टम बोला था, है ना, ओके, ठीक है, तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, मतलब तुमको बुखार आएगा, तुम्हारा वजन एकदम कम हो जाएगा, ठीक है, तुमको एक नॉर्मल बीमारी से भी तुम्हारी मौत हो सकती है, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी है ना, तुम्हारा इम्यून लेवल इतना कम कर दिया है उसने कि तुमको नॉर्मल चीज भी हो जाएगी, बंद हो जाएगा। अभी कोरोना में पता है क्या बोल रहे हैं लोग, तुम्हारा पल्मोनरी अगर प्रॉब्लम है, तुमको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ भी है और तुमको हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा, राइट, सेम ऐसे ही एड्स में भी हो रहा है, ओके। अगर तुमको एड्स है तो तुम एड्स से नहीं मरते, तुम किससे मरते हो, सेकेंडरी डिजीज से, एड्स है प्लस टाइफाइड हो गया खत्म, एड्स है प्लस टीबी हो गया खत्म, समझ जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री चीजों से मर रहे हो तुम। व्हाई, बिकॉज इन दिस डिजीज विक्टिम्स सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, अपना नेचुरल इम्यूनिटी का बैंड बच जाता है, ओके, तो प्रोग्रेसिवली वीकन होता है, अपना इम्यूनिटी क्या होता है, वीकन वीकन, ओके, वीक 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 होते जाता है, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम पड़ता है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैनॉट बी कन्फर्म्ड विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैब, ठीक है, पता नहीं चलता कि इसको एड्स है, और कौन सा टेस्ट है जिससे पता चलता है कि एड्स है, एलाइजा,
ओके, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। मैं एक बार फटक से बोल देता हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, बट मैं चाहता हूँ तुम स्पेलिंग में लिखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे गूगल में डालो, ठीक है, और एलाइजा का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखना है सबको, एलाइजा इज दिस, तो मेरे को पता चलेगा कितने लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं। सो एलाइजा टेस्ट से पता चलता है कि भाई इसको एड्स है, और प्रॉपर डायग्नोसिस मालूम पड़ गया, डायग्नोसिस मतलब पता चलना कि इसको क्या है, प्रोग्नोसिस मतलब ठीक करना, ट्रीटमेंट, ओके। तो डॉक्टर जब तुमको दुनिया भर का क्वेश्चन पूछता है तब वो क्या करता है, डायग्नोसिस, और जब वो तुमको ठीक करेगा तब वो क्या कर रहा है, प्रोग्नोसिस, ठीक है। डॉक्टर जिसको जिसको बनना है भाई याद रखो। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, देखा आज एक बंदे को कुछ हो रहा है, दूसरे को कुछ और होगा, तीसरे को कुछ और होगा, सिम्टम्स है ना, फिक्स कोई सिम्टम नहीं है, इसके लिए तो सिंड्रोम बोलते हैं उसको। याद रखो एड्स किसी को टच करने से या खाना शेयर करने से नहीं होता, ठीक है, किसी एड्स के पेशेंट के नजदीक जाने से या उसका ख्याल रखने से नहीं होता, ओके। और इसीलिए हमारा जो बिहेवियर है एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन के प्रति वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल। इसके ऊपर क्वेश्चन तुमको पूछ लेगा एग्जाम में, What will happen if you come to know that a particular person who is your neighbor is AIDS affected, HIV positive? Okay, तो बोलना है भाई मैं उसके साथ नॉर्मल रहूंगा, नॉर्मल बात करूंगा, मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, है ना, ठीक है, क्योंकि उसको बुरा लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग उसको अकेला ही मार देते हैं, ओके, उसको हम लोग इतना अकेला अकेला रखते हैं ना, उसको खुद अपने बीमारी से नफरत हो जाती है, उसको लगता है कि अरे शिट मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, मेरे को HIV हो गया, वो उससे मर जाता है बेचारा, है ना, राइट। तो ऐसा होता है। वंस हमारा ट्रेनिंग चल रहा था जे हॉस्पिटल में, एंड वी हर्ड ऑफ डेथ्स, सुइसाइड्स, ओके, एक ने पांच माले से उड़ी मार दिया था, एक ने आठ माले से उड़ी मार दिया था, जस्ट उनको पता चला था कि देवर HIV पॉजिटिव। अब याद रखो कि एलाइजा टेस्ट के बाद ना एक वेस्टर्न प्लॉट मेथड होता है, उससे फिक्स पता चलता है कि इसको सच में है। एलाइजा वाला भी कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव बताता है, बट बेचारों ने क्या किया, मर गए वो लोग। अच्छा खासा वो लोग अपना पूरा जिंदगी बिता सकते थे, दवा अगर खाते तो पूरा जिंदगी उन लोग अच्छे से बिता सकते थे, बट क्या पता वो लोग को क्या लगा, वो लोग ने उड़ी मार दिया सीधा, राइट, ओके। सुइसाइड करना दुनिया का सबसे खराब काम है, ओके। देखो किसी ने तुमको लाइफ दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने, ओके, किसी का तुम लाइफ पार्टनर हो सकते हो, राइट, किसी का तुम दोस्त हो, ओके, टीचर्स तुमसे एक्सपेक्ट करते कि ये बच्चा मेरे लिए कुछ तो मतलब एकदम नाम रोशन करेगा है मेरा, इतनी सारी उम्मीदें तुम्हारे साथ हैं और तुम क्या करते हो, उड़ी मार लेते हो या लटक जाते हो या कुछ कर लेते हो, दैट इज नॉट गुड ना, दैट इज नॉट जस्टिस, राइट, ओके। यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर सेल्फ, यू आर गिविंग अप ऑन ऑल दोज पर्संस जो लोग को तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है ना, ओके। सो दिमाग को एकदम शांत रखने का, सुइसाइड करने का दिमाग अपने पास लाने का ही नहीं, सोचने का ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक पेपर पे सब लिखने का, फ्रस्ट्रेशन पेपर को फाड़ देने का, फेंक देने का, बोलने का बाढ़ में गया, आई लिव फॉर माई मॉम डैड फ्रेंड एंड एवरीवन एल्स, राइट, ओके, तेल लगाने का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डू यू नो अच्छा गाना याद आ गया, हर जगह गाना है रे। HIV वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अफ्रीकन स्पीशीज ऑफ बंदर, ठीक है, बंदर लोगों को HIV हुआ था, बंदरों से इंसान में फैल गया, पता नहीं कैसे कैसे फैलता है यार, है ना, पता लगाओ कैसे कैसे फैलता है, ठीक है, पता लगाना है तुमको कैसे कैसे फैलता है, ठीक है, ओके। तुमको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बट मैं चाहता हूं कि तुमको पता लगे कैसे कैसे फैलता है, ठीक है, ओके। एक तो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, एक जन को अगर एड्स है, ओके, और उसने अगर अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया किसी दूसरे से, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो दूसरे पार्टनर को भी एड्स हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक बंदे को एड्स है, उसने खून चढ़ाया दूसरे को, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, उसको भी हो जाएगा। तीसरा क्या है, नीडल्स, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, एक बंदे को एड्स है और उसने वो नीडल शेयर किया दूसरे के साथ, ठीक है, ये जो ड्रग्स वगैरह सब लेते हैं, ठीक है, तो बहुत बुरा बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं उनको क्या मजा आता है, बट तो वो लोग अगर नीडल शेयर कर लेते हैं तो उनको भी हो जाते हैं। शेयरिंग ऑफ रेजर से भी होता है, ठीक है, तुम गए बार्बर के पास, तुम्हारे पहले वाले बंदे को अगर एड्स था, बार्बर ने वो चेंज नहीं किया ब्लेड, ठीक है, उसको कहीं पे कट हो गया था, और अगर तुमको भी कट हो गया, राइट, तो तुमको भी इन्फेक्शन होने का चांस है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर तुम बार्बर के पास जाओ,
तो बार बार देखो कि वो बार-बार जो है वो ब्लेड चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है तुम पे लगाने से पहले। नहीं कर रहा है उसको बोलो भाई रुको, मेरे को आधा बाल काटेगा तो भी चलेगा, पहले ब्लेड चेंज कर, ठीक है। सो ये इन्फेक्शन का चांसेस है। और मदर टू चाइल्ड, अगर मम्मी को एड्स है सो बच्चे को भी वो इन्फेक्शन जाने का चांस होता है, ठीक है। उसके लिए मेडिसिन भी मिलता है बट स्टिल चांस होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अनएड्स, है ना, UNAIDS, यूनाइटेड नेशन, है ना, 80-85% HIV इन्फेक्शन इन इंडिया जो होता है वो किससे हुआ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। सो डेटा है। अब इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज है ये सब हम लोग अगली बार करेंगे, सही है ना। कुछ अगली बार के लिए भी रहना चाहिए, बोलेगा भाई तू आज ही सब पढ़ा लेगा तो कैसे चलेगा। ओके, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स में एक रेबीज, वो तुमको पता है एकदम पागल कुत्ता काटता है तो आदमी भी पागल हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, ठीक है। तो सच्ची में होता है। देखो पहला क्या लिखा है, देखो रैट से कुछ बीमारियां हो सकती है, प्लेग वगैरह होता है, ठीक है। ओके, इट इज नेसेसरी टू टेक केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, अगर घर में कुत्ता बिल्ली चिड़िया पालते हो तो उनको इंजेक्शन विंजेक्शन सब लगता है, दवा विवा सब खिला के रखने का, ताकि वो लोग को इन्फेक्शन ना हो, अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, सो पिजन स्ट्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ का कुछ रिश्ता है कि हाँ ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको पिजन से भी होती है, बिल्लियों से होती है, फालतू जो जानवर इधर उधर है वो काट ले तो उनको हमको हो जाती है, राइट। रैट्स कॉकरोचेस से हमको भी बीमारी होती है, ठीक है। सो अब ऐसे ही एक बीमारी को हम लोग लेंगे रेबीज। रेबीज कैसा डिजीज है, वायरस से होता है। बट ये वायरस जाता कैसे है, तो वायरस होता है कैसे, सलाइवा वगैरह में। सलाइवा किसके, सलाइवा में, सलाइवा बोला मैंने, तलाइवा नहीं बोला, पहले याद रखो, ठीक है। सो कुत्ते के, रैबिट के, बंदर के, कैट के और एटसेट्रा के भी, याद रखो एटसेट्रा मतलब इत्यादि, और वो एटसेट्रा है, ETCETRA है, हम उसको एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं, एक्सेट्रा नहीं होता, एटसेट्रा होता है, ठीक है। गूगल करना, नया नया चीज मैं बताते रहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो वायरल डिजीज इट अकर्स ड्यू टू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट। ये वायरस एंटर करता है हमारे दिमाग में थ्रू कैसे, न्यूरॉन्स हर जगह रहते हैं, पता है ना, अपना न्यूरल नेटवर्क है पूरे दिमाग से लेकर पैर के एक एक उंगली तक, अंगूठे तक, राइट, न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स फैला हुआ है। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक पाइपलाइन है, वायर समझो, दिमाग से सिग्नल हर जगह पे कैसे जाता है, थ्रू न्यूरॉन्स, और हर जगह से दिमाग को कैसे सिग्नल पहुंचता है, थ्रू न्यूरॉन्स। तुम्हारे स्विच बोर्ड से तुम्हारे पंखे ट्यूबलाइट को कैसे पहुंचता है इन्फॉर्मेशन के, चालू होना है बंद होना है, न्यूरॉन्स। तो वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स और वो दिमाग में जाके ऐसा लोचा करता है, लोचा लपाचा, जिससे होता है नया नया बीमारी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब पानी, पानी का डर, पानी देखोगे तो बंदा पागल हो जाता है रेबीज वाला, उसको लगता है मैं मरने वाला हूं। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, इन दिस केस विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। रेबीज जानलेवा बीमारी है, फेटल मतलब क्या, फेटल मतलब जानलेवा, लाइफ थ्रेटनिंग। However, fatality can be prevented by timely vaccination. अगर बराबर सही टाइम पे तुमको इंजेक्शन लग गया ना भाई तो तुम बच जाएगा। Okay? Symptoms आने से पहले तुमको इंजेक्शन लगना चाहिए। सिम्टम कब आता है, 90 से 175 डेज ऑफ द बाइट। तो कुत्ते ने जैसे ही काटा सीधा डॉक्टर के पास जाने का, बोलने का डॉक्टर बाबू इंजेक्शन लगा दो सुई, जल्दी से लगा दो सुई, उई उई, ठीक है, चुपचाप से, है ना। सिम्टम्स ऑफ रेबीज क्या क्या है, फीवर आता है 2 से 12 हफ्ते, एग्जैजरेशन इन बिहेवियर, तुम पागल हो जाते हो, तुम फटाफट कोई भी चीज करते टाइम तुमको एंजाइटी होता है, ये करूं वो करूं ये करूं वो करूं, कुछ कुछ लोगों को ऐसे भी होता है, मेरे को भी होता है, ठीक है, ओके। एंड हाइड्रोफोबिया, तो ऐसी चीजें होती है दिमाग तुमको, अच्छा ये तो कम लिखा हुआ है, पता है तुमको ऐसी चीजें भी दिखेंगी जो है नहीं, हैलुसिनेशन भी होता है इसमें, बहुत कम लिखा हुआ है, हैलुसिनेशन, तुमको कुछ भी दिखेगा, भगवान दिखेगा, भूत दिखेगा, सब दिखेगा, रेबीज है तेरे को, ठीक है, ओके। सो अगर किसी को ऐसा दिख रहा है मतलब समझ जाओ तुम्हारा दिमाग थका हुआ है, तुमसे गेम खेल रहा है, चुपचाप सो जाओ, ठीक हो जाता है, ठीक है। और किसी भी कुत्ते बित्ते ने काटा तो चुपचाप से डॉक्टर के पास जाने का होता है, ठीक है।
ओके फिर और क्या लिखा हुआ है, और भी बहुत सारा है, डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड। तो वो सिम्टम्स ऊपर थे, ठीक है, डेलिरियम, हाइड्रोफोबिया, ओके, एग्जैजरेटेड बिहेवियर, है ना, सब था ना, फीवर। वाई एनिमल केजेस एंड देयर लिविंग प्लेसेस शुड नॉट बी नियर द किचन, क्योंकि किचन में वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो उनपे रहते हैं वो आ सकते हैं और हम लोग को नहीं मालूम, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा एक बीमारी है, बहुत सारे लोगों को होती है, कैट, कैट का बाल, कैट का फीकस, ठीक है, इधर उधर अगर चला गया, यहाँ वहाँ सब रह गया, फूड में चला गया किसी भी वजह से, तो भाई बहुत डेंजरस चीज़ होता है ये, ठीक है, तो ऐसी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। सो होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया रहेगा। समझ में आया क्या लाला, समझ में आया तो लाइक दबाने का, शेयर दबाने का, एटलीस्ट 20 लोगों तक तो पहुँचाने का, वो तुम्हारा काम है, कैसे पहुँचाते हो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। तो आज अपन एक टारगेट रखते हैं, जैसे कैरी मिनाटी टारगेट रखते हैं ना, वैसे अपन टारगेट रखते हैं यार एटलीस्ट मिलियन बिलियन पे तो अपन नहीं जाएंगे, चलो एटलीस्ट 20 लाइक तक का तो टारगेट अपन रखते हैं, पहुंचाओ कैसे भी, ठीक है। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, हम लोग वापस से मिलेंगे। मैथ्स या साइंस आपका डेली चलते रहेगा, तो डेली आपको देखना है, 6 नहीं तो 6:30 नहीं तो कितने भी बजे, एक दिन में एक वीडियो हमारा टारगेट है, आपको पढ़ाई करते रहना है। बाय बाय, थैंक यू।